तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तभी हम जा रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। आप देख सकते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर से निकल चुके हैं NH 27, जो कि पहले 57 हुआ करता था, अभी इसका नाम NH 27 हो गया है। और इसी को पकड़ के हम लोग यहाँ से अररिया तक जाएंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब अपने इस यात्रा का शुरुआत करते हैं अपने महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। और आज का दिन है जो दुर्गा पूजा का महाअष्टमी का दिन है, तो महाअष्टमी के दिन हम लोग निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। तो वीडियो में बने रहे और सब लोग एक साथ जय माता दी कमेंट में लिख दें, क्योंकि माता रानी का नाम लेके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। देख सकते हैं बाढ़ का पानी जिले से किनारे किनारे लगा हुआ है, और वो आपका आपको जो दिख रहा है वो सीतामढ़ी वाला लाइन है, रेलवे लाइन का पटरी है, और उससे उधर नदी है, और इधर आपका है नदी का पानी आया हुआ है, बाढ़ का पानी। तो बिहार जो है सो हमारा बाढ़ के लिए नामी है। चलिए तो बने रहिए वीडियो में। दरभंगा यहाँ से 60 किलोमीटर बचा है, तो हमारा जो पहला स्टॉपेज होने वाला है वो हमारा दरभंगा होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, हम लोग के ट्रिप का पहला टोल प्लाजा आने वाला है, और इसका नाम है 90 टोल प्लाजा, जो की मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में टोल प्लाजा पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इसका नाम 90 टोल प्लाजा, जो कि हमारे ट्रिप का पहला टोल प्लाजा है। तो गाइज हम लोग 90 टोल प्लाजा को क्रॉस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे दरभंगा के लिए। गाइस फाइनली हम मुजफ्फरपुर शहर को उतरते हैं, बाय बाय मुजफ्फरपुर जिला को। अब हम घूम कर चुके हैं दरभंगा जिला में। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं दरभंगा, और देख सकते हैं हम लोग का राइड का शुरुआत हुआ है जाम के साथ, और सामने पूरा जाम लगा हुआ है क्योंकि पीछे पूजा पंडाल है, और पता ही है अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो दुर्गा पूजा के कारण जाम लगा हुआ है, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो गाइड लगा हुआ है जाम क्योंकि शायद कलश यात्रा निकल रहा है यहाँ पे, तो रोड को फिलहाल ब्लॉक किया गया है। और अभी हम पहुँचे हैं रानी, जो कि दरभंगा में ही है। देख सकते हैं गुवाहाटी 485 सिलचर 1161 किशनगंज 282 फरवीसगंज 143 बिहार, और यहाँ पे हेलमेट मैंडेटरी नहीं है, अब बिना हेलमेट का भी घूम सकते हैं। क्या मजाक बना रखा है, देख रहे हैं गाइस कैसे रोड क्रॉस किया जाता है बिना लुक दिए हुए, बिना देखे हुए कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अररिया 171, झंझारपुर 32, सिलीगुड़ी 359। तो अभी तो फिलहाल 359 हम लोग का टारगेट है। चलिए चलते हैं। फाइनली हम दरभंगा जिला को छोड़ चुके हैं, अब मधुबनी जिला में आ चुके हैं। मधुबनी जिला में आपका स्वागत है। तो हम लोग आ चुके हैं अपना दूसरा टोल, जो कि है राजे टोल प्लाजा। इस ट्रिप का दूसरा टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस कर गए, अब हम लोग निकलते हैं आगे। गाइस तो फाइनली हमारा पहला 100 किलोमीटर पूरा हो गया, देख सकते हैं गाइस 100 किलोमीटर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं झंझारपुर, झंझारपुर को हम करते हैं बाय। तो गाइस अपने ट्रिप का ये तीसरा टोल प्लाजा आ गया, जो माझी टोल प्लाजा है, जो कि आपका सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो गाइस सुपौल जिला में आपका स्वागत है, और हम माझी टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं, और आगे आएगा आपका कोसी ब्रिज, जो कि कोसी को बिहार का अनुसार माना जाता है। हम लोग आ चुके हैं कोसी ब्रिज, सामने आपको कोसी ब्रिज दिख रहा होगा, बगल से रेलवे लाइन और सामने ब्रिज, और कोसी को बिहार का अनुसार माना जाता है क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा तबाही कोई नदी लाती है तो कोसी, और सामने
कोसी नदी, आप देख सकते हैं सामने कोसी नदी है, और इधर आपका रेलवे लाइन का पुल है, और आपका भाई आपके साथ। देख सकते हैं गाइस कोसी नदी कितना बड़ा नदी है, अभी तो पता नहीं बाढ़ खत्म हो गया है आई थिंक, बस कुछ दिन पहले यहाँ पे पूरा भरा पड़ा था। तो 152 किलोमीटर लोग बिना रुके 152 किलोमीटर अभी तक आ चुके हैं मुजफ्फरपुर से। गाइस फाइनली आज के जर्नी का एक चौथा टॉल आ गया है जो कि अररिया में पड़ता है, तो देख सकते हैं गाइस इस टॉल का नाम अरियावाड़ा टॉल प्लाजा। तो गाइस फाइनली हम अररिया पहुंच चुके हैं और सामने देख रहे हैं पूर्णिया सीधा और अररिया यहां से। हम लोग गुस्सारा रूट पकड़े हैं क्योंकि चोटी घाट होते हुए आप टोरा निकलता है ठाकुरगंज चोटी घाट होते हुए, और एक दूसरा रूट है क्योंकि हम छोड़ चुके हैं पूर्णिया वाला फिर उसका किशनगंज आता है उसका काल खुला होते हुए हमारे ट्रिप का ये पचमा टोल प्लाजा आ गया है जो कि अररिया से पाटोगरा वाला रूट में है ठाकुरगंज होते हुए काकन टोल प्लाजा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल कितना भव्य पंडाल है। ओ शिट गाइस बंगाल में एंट्री करते हैं एक्सीडेंट। तो देख सकते हैं सामने का नजारा कुछ ऐसा है, बगल बगल में चाय का बगान। अब देख सकते हैं गाइस तो बंगाल में आपका स्वागत है गाइस। दुर्गा पूजा का तैयारी कितना जोर शोर से है और हर जगह पंडाल लगा हुआ है, जगह जगह पे पूजा हो रहा है। देख सकते हैं गाइस बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत ही नामी होता है। गाइस चेकआउट करो सामने का नजारा खूबसूरत। तो हम लोग बागडोगरा पहुंचने वाले हैं, देखते हैं हम लोग मिरिक जाते हैं या दार्जिलिंग। तो यहाँ से भी 107 किलोमीटर और बचा हुआ है और हम लोग का आज प्लान है कि दार्जिलिंग आज नहीं जाने का, कल जाएंगे हम लोग दार्जिलिंग, आज कहीं रुकने का बीच में। तो अच्छा जगह देखते हैं हम लोग रुकेंगे और सामने का नज़ारा देखो गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं नक्सलवाड़ी, आप देख सकते हैं नक्सलवाड़ी का बोर्ड लगा हुआ है, दार्जिलिंग पुलिस आपकी सेवा में तत्पर। तो हम लोग नक्सलवाड़ी से चल चुके हैं मिरिक के लिए और ये रास्ते में पिछले बार भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, इस रास्ते में बहुत सारा टी बगान आपको मिलेगा। हाय हाय इतना सुकून गाइज देख सकते हैं, चेकअप करो गाइस दोनों रोड के दोनों तरफ चाय का बगान, दोनों तरफ है चाय का बगान। अब देख सकते हैं गाइस बाएं तरफ भी और हमारे दाएं तरफ भी दोनों तरफ चाय का बगान ही, और ये बीच में रोड काफी खूबसूरत से मिल रहा है, ये प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये जिला बेहतरीन नजारा। चेकआउट करो लोकेशन क्या खूबसूरत वादी है, क्या खूबसूरत नजारा है आप देख सकते हो गाइस। गाइस देख सकते हो दोनों तरफ चाय का बगान ही बगान, और यहाँ पे
इलिफेंट क्रॉसिंग जोन है, कभी भी हाथी आपको गुजर सकता है। और देखिए गाइस यहाँ पे हाथी, गाइस देखिए ये लाल पीला हाथी, और ये देखिए हाथी को चरा रही है लोग। नीचे से कोई वाटरफॉल गुजर रहा है, देख सकते हैं यहाँ का पानी का बहाव। गाइस ब्रेकर है, गाइस यहाँ पे सामने लिखा हुआ है एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, मतलब यहाँ से हाथी गुजर सकता है। तो गाइस यहाँ का नजारा देखिए, इस तरफ आपका चाय का बगान और इस तरफ आपका सॉल का शायद पेड़ है। एग्जैक्ट आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा पेड़ है, तो जंगली पेड़ होगा आई थिंक। और रास्ता बहुत ही प्यारा है, तो हम लोग तो रास्ते को ही एंजॉय करते हैं। हम देख सकते हैं गाइस क्या नजारा है, क्या नजारा है, क्या नजारा है गाइस। देख सकते हैं भाई साहब, पहाड़ दिख गया गाइस, देख सकते हैं सामने पहाड़। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हमको दिख रहा है पहाड़। पूरा धुआं से कोहरा से ढका हुआ, धुआं से ढका हुआ। ओ दीदी स्लो चलाइए दीदी, देख सकते हैं गाइस सामने पहाड़, आपको दिख रहा होगा, अब तो दिख गया होगा गाइस, अब तो देख लो। मौसम बहुत ही सुहावना है, इसलिए गार्डन गार्डन हो गया। ये है आपका छोटा सा मार्केट है, और आगे से पहाड़ स्टार्ट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा सामने पूरा पहाड़। ओह माय गॉड गाइस, इतना ज्यादा ब्रेकर है कि कुछ कहने के लिए नहीं। बस 200 गाइस फाइनली हम पहाड़ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं सामने कितना चढ़ाई है, और हम लोग अब पहाड़ की चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ से लगभग जहाँ हमको जाना है, मिरिक जाना है, और मिरिक यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर है। गाइस देख सकते हो सामने का नजारा, पूरा अंधेरा ही अंधेरा। हर साइड रेस्टोरेंट एंड कैफे, और रिवर साइड का व्यू देख सकते हैं गाइस। देख सकते हैं गाइज पानी कितना, आवाज आप लोग सुनिए कितना तेज आवाज कर रहा है, और मस्त क्या नजारा है। सामने पहाड़ देख सकते हैं, और हमारा दोस्त ब्लॉगिंग करते हुए बद्दा बंजारा बिहारी, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सामने का नज़ारा देखो, और ये हमारा बसंती गाइस, नज़ारा चेक करो, चेक आउट दिस गाइस। गाइज
आप देख सकते हैं फूल कितना कितना खूबसूरत ब्रिज है भाई। वहाँ देखिए नीचे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अरे देखो नीचे एंजॉय सब कर रहे हैं। गाइस चेकआउट करो कैसे पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, लाइट ऑन है लो। गाड़ी तो कूद गया भाई। चेक आउट करो गाइस, काफी सावधानी, बाइक या कार जो भी चला दिया काफी सावधानी से निकले आप यहाँ की तरफ से। ओ भाई साहब जिलेबी की तरफ सीधा ये रास्ता, दो तरफ चाय का बगानी, बीच का रोड। भले ही मौसम काफी खूबसूरत है लेकिन रास्ता उतना ही कठिन है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मजा आ गया। मजा आ गया गाइस, क्या कर्व था यार, देख सकते हो गाइस कितना खतरनाक रास्ता है। और इस खतरनाक रास्ता से आपका भाई आपको लेके जा रहा है बस दिखाने के लिए। ओ भाई साहब, गाइस देख सकते हो छोटा छोटा वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। गाइस मौसम चेकआउट करो आप लोग, देख सकते हो कितना, और हम लोग बादल में घूम रहे हैं, बादल में हम लोग पहुंच चुके हैं। ओ गाइस देखिए दोस्तों, ये जो अभी आपको फॉगी फॉगी सा लग रहा है तो हम नहीं बल्कि क्लाउड है और काम हो चुका हुआ हम लोगों को रास्ते में। अभी हम लोग जा रहे हैं मिरिक की तरफ, आप देख रहे हैं अंधेरा हो चुका हुआ है। हाँ कोई नहीं, आधा घंटा और, आधा घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे मिरिक के पास। चेकआउट करो गाइस, भाई साहब, ओ भाई साहब, देखिए गाइस चढ़ा दिलियो गाइस। देख रहे तुम वो देखा थी सब वही घर में तो कितना होता हो और आज निकल वही सब में मजा था। 12 किलोमीटर मेरी और बचा है गाइस, देख सकते हैं सामने का नजारा। ओ ठंडा लगता हुआ गाइस, ठंडा लग रहा है गाइस, आप लोग रहिए घर गर्मी में, हम तो आ गए ठंडा में। कोई व्यू नहीं सामने, देख सकते हो गाइस वही अमेरिक, और हम लोग को वहीं पे पहुंचना है। गाइज आई लव मिरिक,